नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जातिगत गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर जातिगत गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को चापा पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। आरोपी नागेश्वर उर्फ पकलू धीवर उम्र 19 वर्ष, चूड़ामी उर्फ लक्ष्मी धीवर उम्र 24 वर्ष, महेश उर्फ गोलू धीवर उम्र 24 वर्ष एवं अर्जुन लाल धीवर उम्र 30 वर्ष सभी निवासी कोसमंदा को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से मारपीट में प्रयुक्त डंडा बेल्ट एवं अन्य सामग्री किया गया बरामद। मुर्गा का पैसा नहीं देने की विवाद पर आरोपियों द्वारा दिया गया घटना को अंजाम। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय रत्नाकर जो कि ग्राम कोसमंदा का BDC है उसके द्वारा थाना चापा में रिपोर्ट दर्ज कराए कि दिनांक 8/3/2023 को सुबह लगभग 10:30 बजे इसका भतीजा व भांजा गांव में ऑटो से फेरी लगाकर मुर्गी बिक्री कर रहे थे। तब प्रार्थी को इसका भतीजा फोन कर बताया कि धीवर मोहल्ला में योगेश्वर उर्फ पकलू धीवर मुर्गा ले लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, पैसा मांगने पर झगड़ा मारपीट कर रहा है। तब प्रार्थी धीवर मोहल्ला गया, वहां देवरहा तालाब के पार में आरोपी नागेश्वर उर्फ पकलू धीवर महेश धीवर अर्जुन धीवर चूड़ामी धीवर एक राय होकर प्रार्थी के भांजा या सोन भतीजा आकाश को अश्लील गाली गलौज कर बेल्ट लाठी डंडा पट्टा से मारपीट कर जातिगत गाली गलौज कर रहे थे। प्रार्थी बीच बचाव करने लगा तो आरोपी गढ़ पकड़ू महेश चूड़ामी धीवार सभी प्रार्थी को अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर तू BDC हमारा क्या कर लेगा, तेरे को देख लेंगे, बड़ा नेता बनता है, तुझे भी जान से खत्म कर देंगे, धमकी देते हुए मारपीट किए। प्रकरण के आरोपी पकलू उर्फ नागेश्वर धीवर महेश धीवर अर्जुन धीवर चूड़ामी उर्फ लक्ष्मी धीवर सभी निवासी कोसमंदा को दिनांक 19/3/2023 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बेल्ट एवं अन्य सामग्री बरामद कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।